हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ फ्रेजेज का यूज सीखेंगे। फ्रेजेज हमारी कन्वर्सेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना देते हैं। तो हाँ, आज का हमारा जो पहला फ्रेज है वह है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन की हिंदी होती है प्रभाव डालना। इसका इंग्लिश में अगर हम यूज करेंगे तो इसका एग्जांपल होगा द ड्रग हैज़ एक्टेड ऑन हिज माइंड। इसका हिंदी सेंटेंस होगा उसके दिमाग पर दवा का असर हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज माइंड। इसका हिंदी सेंटेंस है दवा के असर से मरीज पागल हो गया। नेक्स्ट फ्रेज है फॉल बैक। फॉल बैक की हिंदी होती है पीछे हटना। अगर इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस होगा अ ब्रेव सोल्जर डज नॉट फॉल बैक। इसका हिंदी सेंटेंस होगा बहादुर सैनिक पीछे नहीं हटता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द एनिमीज फेल बैक फॉर द फियर ऑफ डेथ। हिंदी सेंटेंस होगा मौत के डर से दुश्मन पीछे हट गए। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन की हिंदी होती है गिराना। इसका सेंटेंस में यूज होगा द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन अ नंबर ऑफ ट्रीज। इसका हिंदी सेंटेंस होगा तूफान ने कई पेड़ गिरा दिए। नेक्स्ट एग्जांपल होगा योर डॉग ब्रॉट डाउन वाटर ऑफ द जग। हिंदी सेंटेंस होगा आपके कुत्ते ने जग का पानी गिरा दिया। नेक्स्ट फ्रेज है गो ऑफ। गो ऑफ की हिंदी होती है छूटना या चलना। इसका एग्जांपल होगा ऑल ऑफ अ सडेन द गन वेंट ऑफ एंड इंज्योर्ड एन ओल्ड मैन। इसका हिंदी होगा अचानक बंदूक चल गई और एक वृद्ध व्यक्ति घायल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल होगा द गन वेंट ऑफ एंड द यंग मैन वॉज इंज्योर्ड। इसकी हिंदी होगी बंदूक चली और युवक घायल हो गया। नेक्स्ट फ्रेज है कीप डाउन। कीप डाउन की हिंदी होती है नियंत्रित करना या वश में करना। इसका एग्जांपल होगा इट इज वाइज टू कीप डाउन पैशन। इसका हिंदी होगा जुनून को नियंत्रित करना बुद्धिमानी है। नेक्स्ट एग्जांपल है वाइज मैन टीच अस टू कीप डाउन द एंगर। इसकी हिंदी होगी बुद्धिमान लोग हमें क्रोध को नियंत्रण करना सिखाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।